बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। और आज के वीडियो में एक विटामिन सी सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अब विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए, स्किन केयर रूटीन में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए आपको विटामिन सी सीरम। अगर आपको पिगमेंटेशन, डल स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन ग्रो नहीं करती है और स्कार्स हैं, सन से डैमेज हो चुकी है स्किन, सनरेज से डैमेज हो चुकी है स्किन, तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल विटामिन सी सीरम यूज़ करना चाहिए। फाइन लाइन, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स पर भी विटामिन सी सीरम बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, एक्ने ट्रीटमेंट मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्रीम लगा लेने के बाद मेरे एक्ने तो ठीक हो गए पर स्किन डल है, स्कार्स रह गए हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको विटामिन सी सीरम यूज़ करना ही चाहिए। और अगर आप 30+ हैं फिर तो आपको करना ही करना चाहिए, आप अलग ही डिफरेंस देखोगे विटामिन सी सीरम यूज़ करने के बाद। ऑलरेडी मैं कुछ विटामिन सी के सीरम के रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उनकी लिंक आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आज जिस सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है प्लम का विटामिन सी सीरम, जिसमें 15% विटामिन सी यूज़ किया गया है। अब 15% यूज़ किया गया है तो आप अगर बिगनर हैं, आपने कभी यूज़ नहीं किया पर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो सीरम है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है विटामिन सी के लिए, जो कि आप कह सकते हो एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही इसमें काकाडू प्लम यूज़ किया गया है, जो कि आप बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आजकल देख सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भर भर के होते हैं। अगर इसका कंपेयर करें ग्रीन टी से तो इसमें 20 times ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और प्लम का ये जो विटामिन सी सीरम है सिलिकॉन फ्री है, कोई भी कलर, आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया गया है, फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं की गई है, पैराबिन इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो जैसे कि विटामिन सी सीरम ऐसे ग्लास बॉटल में आते हैं ड्रॉपर के साथ, जैसे कि को इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। प्राइस की बात करूँ तो ये 550 rupees का है और इस पर डिस्काउंट मिल जाएंगे तो आपको 400 अराउंड में मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो बिल्कुल वाटर के जैसा है और स्टिकी नहीं है। बहुत सारे सीरम्स होते हैं जिनको लगाने के बाद आपको चिपचिप होता है, इसको लगाने के बाद कोई चिपचिप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन पे, और ये स्किन पे पेनिट्रेट होके बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। आप इसको लगाएंगे तो एक दो एप्लीकेशन के बाद ही आपको आपके स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्कार्स ठीक हो जाएं, पिगमेंटेशन दूर हो जाए और ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर आप ये वाले रिजल्ट चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको कम से कम 3 to 6 weeks तक यूज़ करना पड़ेगा, तब रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 1 week में आपको थोड़ा सा ग्लो नज़र आएगा आपकी स्किन पे, इवन नज़र आएगी स्किन टोन, इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करेगा। विटामिन सी सीरम इंस्टेंट ग्लो तो देता है पर परमानेंट रिजल्ट चाहते हो, दाग धब्बे दूर करना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े लंबे टाइम तक इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें सारे नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं, इसमें कुछ केमिकल्स भी हैं पर हार्मफुल नहीं हैं। और आप देख सकते हो उनमें से किसी से आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको ना लें। इसके साथ ही जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो काकाडू प्लम, जापानीज मैंड्रेन, रोज़ है, एथिल एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आप इसमें मेंशन है कि आप इसको अपने AM PM रूटीन में यूज़ कर सकते हो, जब दोनों टाइम यूज़ करोगे तो इसके रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। अगर आप दिन में यूज़ करते हो तो क्लेंजिंग करना है, टोनिंग करना है, इसके बाद आप अपना सीरम लगा लीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, फिर आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है आपको जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो ना मिले, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। कम से कम SPF 30 का सनस्क्रीन अगर आप घर पर रहते हो तो लगाइए, बाहर जाते हो तो 50 तक
SPF का सनस्क्रीन आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद आप मेकअप वगैरह करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। इतनी सारी लेयर्स हो जाएंगी पर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो सीरम है बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, और इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओगे, मेकअप करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फील हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप नाइट में यूज़ करते हैं तो क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद अपना ये सीरम लगाइए, इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए। है ये क्लेम करता है कि हाइपर पिगमेंटेशन को, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, कॉलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे कि आपकी स्किन काफ़ी इवन स्किन टोन आपको मिलेगी, ग्लोइंग मिलेगी, हेल्दी स्किन आपको मिलेगी, ये सारे नेचुरल ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा। जब इस सीरम को लोगों ने अप्लाई किया तो 83% लोगों में पाया गया कि उनके उनकी स्किन ग्लोइंग हो गई, हेल्दी हो गई, और 30% लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि उनके स्कार्स ठीक हो गए। जब आप ये सीरम लगाते हो तो बहुत जो पुराने दाग धब्बे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत सालों के दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको ये रिड्यूस ना करें, पर जो नए नए स्कार्स हो जाते हैं पिंपल के कारण, एक्ने के कारण, उनको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उनको लाइट बिल्कुल लाइट करेगा और पिगमेंटेशन को दूर करेगा, और टैनिंग हुई है और फाइन लाइंस, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ये सारे केसेस में ये सीरम बहुत अच्छे से काम करता है। सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के एक्ने हैं चेहरे पे, फिर आप ऐसी चीज़ें अप्लाई ना करो, पर एक दो दाने हैं और एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यार सनस्क्रीन ज़रूर लगाना इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि आप सन के कॉन्टैक्ट में आओगे तो हो सकता है आपकी स्किन काली पड़ जाए, कोई और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ, तो इसलिए सन से प्रोटेक्ट करना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप विटामिन सी सीरम लगा रहे हो। तो काफ़ी अच्छा सीरम है और जैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल भी है, और बिल्कुल आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप विटामिन सी सीरम कोई देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल एक बार आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।